Subscribe the mobile safe videos and click on the bell icon to be the first person to watch my videos. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर प्रेम और आप देख रहे हो द मोबाइल ऐप की वीडियो। ओप्पो ने अपने दो फ़ोन ओप्पो F11 और ओप्पो F11 Pro लॉन्च कर दिए हैं और ये दोनों ही फ़ोन इसने मुंबई में हुए एक इवेंट में लॉन्च किए हैं। आज मैं ओप्पो F11 Pro के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या अच्छा और क्या नहीं। कंपनियां आजकल 48 मेगापिक्सल वाला फ़ोन उतार रही हैं, जैसे कि रेडमी नोट 7 प्रो, वीवो का V15 प्रो और वहीं मोटो का FZ4 Play, क्योंकि इसमें भी क्यू टेक्नोलॉजी का सेंसर लगा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूं। और अब आप यहां तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी मिल रहा है। इस फ़ोन में आपको एक अच्छी बात देखने को मिलेगी और वो है 3.5mm का जैक। इसके साथ ही आपको फ़ोन में ईयरफोन भी मिल जाएंगे। फोटोग्राफी के लिए इसमें ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है। पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है F1.8 और वहीं दूसरा कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है 2.4। ये कैमरा काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें सोनी का IMX586 सेंसर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा सेंसर है। सेल्फी के लिए इसमें मोटराइज सेल्फी कैमरा है, जो कि 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसका अपर्चर मुझे अभी पता नहीं है कितना है। फ़ोन में प्रोसेसिंग के लिए इसमें मीडियाटेक का हिलियो P70 दिया गया है, जो कि एक AI बेस्ड प्रोसेसर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही प्रोसेसर आपको 9000 के फ़ोन में मिल रहा है, वो है Realme 3, जो कि इस फ़ोन से आधे से भी कम प्राइस में मिल रहा है। इस फ़ोन में आपको हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे आप PUBG जैसे बड़े गेम आसानी से खेल पाओगे। फ़ोन में आपको 6GB की रैम और वहीं 64GB की इंटरनल मेमोरी मिल रही है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 9 पर चलता है। फ़ोन में आपको बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 4000mAh की है, और इसको चार्जिंग करने के लिए वो 3.0 का सपोर्ट भी है। इस फ़ोन में आपको USB Type-C पोर्ट नहीं मिलेगा। अब हम फ़ोन के सबसे मेन चीज़ के बारे में बात करेंगे, इसका प्राइस और ये कब से मिल रहा है। इसका प्राइस 24,990 रुपये है। इसके स्पेसिफिकेशन को देख के थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मेरे मुताबिक इसका प्राइस लगभग 18,000 या 19,000 के आसपास ही होना चाहिए था। यह फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम और इसके साथ ही ऑफलाइन रिटेल स्टोर से भी मिल जाएगा। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा और इसके साथ ही सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा।